क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है और नेशनल लेवल का मीडिया भी इसलिए इसको काफी ज्यादा कवर कर रहा है क्योंकि कुछ होने वाला है, इस सवाल के साथ सब छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर कुछ होने वाला है, इस सवाल के पीछे असल वजह क्या है? चूंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं का एक ग्रुप है, 23 मेंबरान, 23 लीडरान जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, आज तीसरा दिन है, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसने बहुत सारे लोगों के रोंगटे भी खड़े कर दिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की क्यादत में जो कांग्रेस के सीनियर 23 लीडरान है वो जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर, कल दूसरा दिन था और आज जो है तीसरा दिन है। कल भी उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, खिताबी किया और जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल, सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर भी अपने जो है खिताब करते हुए इन अल्फाज का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो कहीं सही नहीं है। उन्होंने कहा, मरकजी सरकार की पॉलिसियों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत, जो जम्मू कश्मीर पर रियासत हुआ करती थी, अब उससे अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है नाकिस पॉलिसियों की अक्कासी करता है। उन्होंने सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस पर भी तशवीश का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर उन्होंने इसका भी जिक्र किया है, जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली का जिक्र किया है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, महंगाई का भी जिक्र किया है। और साथ ही साथ कांग्रेस के दीगर लीडरान ने भी इस हवाले से, उन्होंने कहा कि दीगर लीडरान ने भी इसका जिक्र ऐवान के अंदर ही किया है। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत की बहाली या दीगर जो मामले और मसाइल और मुश्किलात जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, उन्हें उनकी जद्दोजहद उन्हें बहाल करने के हवाले से उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मरकजी सरकार ने अगरचे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की बात की है, तहम इसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार, जम्मू से जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। कांग्रेस के सीनियर लीडरान का जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा, कल जिस तरह से सीनियर लीडरान ने, अगर बात करेंगे हम गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, कपिल सिब्बा, उन्होंने भी जो है सरकार की नुक्ताचीनी की है। देखिए, सरकार की नुक्ताचीनी तो की ये अलायदा बात है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं गौर कि उस वक्त G20 ने जो उसके सदस्य थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने बिगुल बजा दिया, उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। और उसका प्रमुख कारण यह, उनका कहना है कि कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है जिसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, लिहाजा उन्होंने वोट किया है गुलाम नबी आजाद की और कहा है कि गुलाम नबी आजाद एक ऐसे अनुभवी नेता हैं जिनके अनुभव का फायदा ना जाने क्यों कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व यानी कांग्रेस हाईकमान क्यों नहीं लेते। लब्बो लबाव उनका यही था, जब G23 के लोग वहां पर पहुंचे उस कार्यक्रम में, उन्होंने लोकल या डोगरा पगड़ी पहन करके जो भाषण दिए, उन सब भाषण में यही था कि एक विरोध का बिगुल जो है गांधी परिवार के साथ बजा रहे थे। एक चीज और भी विनोद जी, कल जो मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से, क्या आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हम देखेंगे? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि डे वन से जिस दिन एयरपोर्ट पे गुलाम नबी आजाद पहुंचे थे जी, उसी दिन जो कांग्रेस की स्टेट इकाई है, स्टेट यूनिट है, वो डिवाइड हाउस बना हुआ था। आजाद, गुलाम नबी आजाद के चुनिंदा खास लोग जो थे उन्होंने उनका वेलकम किया और पार्टी की तरफ से कोई खास बड़े नेता नहीं आए। फिर दूसरे दिन गुलाम नबी आजाद तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बाकी जो कपिल सिब्बल है, आनंद शर्मा है, मुनीश तिवारी है, राज बब्बर है, भहुटा है, सब लोग जमकर के गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते ही करते हैं, लेकिन पार्टी के नेतृत्व पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर पार्टी कमजोर हो रही है, वंशवाद को खत्म करना है। अब उन्होंने ये फैसला लिया कि हर स्टेट में जाकर के ये इस तरह की मीटिंग करेंगे, अपने समर्थकों को इकट्ठा करेंगे और सीधा सीधा जो है उसके खिलाफ कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे। एक चीज और भी लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अब आज दिन का भी प्रोग्राम होगा पार्टी लीडरान की तरफ से, क्या कुछ मुलाकातें दिन भर होने वाली हैं, कौन कौन लीडरान कहां कहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, गुलाम नबी आजाद पार्टी हाईकमान का चक्कर लगा, पार्टी मुख्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, वो पहले दिन ही 4 बजे वहां पर पहुंचे थे, एयरपोर्ट उनका स्वागत किया गया, उसके बाद अपने आवास पे चले गए, उसके बाद वो पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे थे, वहां पार्टी हेडक्वार्टर में उन्होंने पार्टी नेताओं से बातचीत। आज कोई ऐसा प्रोग्राम उनका नहीं है, बाकी दीगर नेता जो कांग्रेस यू कहा जाए
राजनीतिक भाषा में आजाद लाभी के जो नेता हैं वो गुलाम नबी आजाद से आज मुलाकात करेंगे और नई रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से जो यूटी यूनिट है कांग्रेस का इसमें किस तरीके से बदलाव लाया जाए और जो प्रो गांधी परिवार है वो कुछ अलायदा होकर रह गया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी, सीनियर न्यूज एडिटर जम्मू से हमारे साथ थे और बता रहे थे कि कांग्रेस का दिन का प्रोग्राम क्या है। कल दिन हमने देखा कि एक तरफ गुलाम नबी आजाद ही कह रहे थे कि वो सिर्फ पार्लियामेंट से रिटायर हुए हैं या राज्यसभा से रिटायरमेंट लिए हैं, राजनीति से रिटायर नहीं हुए। दूसरी तरफ आगे का क्या करियर होगा, क्या तस्वीर बनेगी, उस सब पर कहीं ना कहीं इस मोहर लगाते नजर आए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से, जो यक जुबान में कह रहे थे कि इतने बड़े लीडर का एक्सपीरियंस क्यों ना इस्तेमाल में लाया जाए। यानी पार्टी हाईकमान को क्लियर मैसेज दिया जा रहा था कि उन्हें अब जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, वो संभालने के अहल है, जो उनकी कारकर्दगी अब तक रही है उस पर कोई भी दाग नहीं, कोई सवाल या निशान नहीं। ऐसे में बाकी चीजों से हटकर पार्टी जरूर इस वक्त कमजोर पड़ी है, लेकिन मजबूत करने के लिए हम जम्मू कश्मीर भी आए हैं और हम गुलाम नबी आजाद की भी बात कर रहे हैं।